गाइस हम लोग अभी निकलने वाले हैं भेड़ाघाट के लिए, और अभी रानू हम लोग के साथ जाएगी नहीं क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है 3 बजे के आसपास से। तो अभी हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक फ्रेंड रहता है, फैमिली फ्रेंड है, वो हम लोग को लेने के लिए आ रहा है जस्ट अभी। उसके बाद हम लोग जाएंगे भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ हम लोग यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं। ये एक्चुअली में होटल नहीं, ये ना गेस्ट हाउस है, तो बाकी पूरी फैसिलिटी और रियल में बहुत ही अच्छा है। अभी मैं जस्ट मौसम देखने के लिए बाहर निकली थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बस कोहरा कोहरा छाया हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक बारिश भी हो सकती है। तो अभी मैं देख लूँ क्योंकि रानू सुबह से उठ के पढ़ रही है, और मैं आपको दिखाती हूँ होटल्स का रूम हम लोग का कैसा है। एक्चुअली में बहुत ही अच्छा सा है, मतलब नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छा है। मैं इसका प्राइस और एड्रेस मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और रानू क्या कर रही है, ये पढ़ रही है, हो गई पढ़ाई, कर ले जल्दी कर ले। तो रूम कुछ ऐसा है, मतलब ठीक ठाक है, ख़राब नहीं बोल सकते हैं आप। और इसका वॉशरूम भी अच्छा है, मतलब दो लोगों के लिए तो पर्याप्त है, काफ़ी है। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ, रानू तो पढ़ रही है अभी, तो हम लोग जा रहे हैं जस्ट बरों जा रहे हैं हम लोग को लेने के लिए, फिर मैं रास्ते में लेके होता आपके साथ। मौसम लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ चलिए। तो दोस्तों हम लोग की गाड़ी आ चुकी है और जस्ट हम लोग निकल रहे हैं भेड़ाघाट के लिए। तो गाइज अभी हम लोग हैं बाइजनामा में और यहाँ पे हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद, क्योंकि सुबह का टाइमिंग है, तो वहाँ पे सुनने में आया कि भेड़ाघाट में ना अभी एक कोविड की वजह से शायद एंट्री नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं अगर एंट्री मिलेगा तो आपको घुमाते हैं वहाँ जलप्रपात, और नहीं मिलती है फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, देख लेते जाके। तो हम लोग खा रहे हैं पोहे का नाश्ता, अच्छा जबलपुर के पोहे की बात ही अलग होती है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और इसमें अदरक वाली चाय बहुत मस्त लग रहा है। दोस्तों हम लोग ने नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं धुआंधार जलप्रपात। बस आई विश कि ओपन हो, क्योंकि मैं इतने दूर से आई हूँ ना, और फिर क्या मतलब अखर जाएगा वहाँ जाना, तो बस ओपन होना चाहिए। चले हाँ मैं आगे बैठ जाती हूँ, अब मैं बैठने वाली हूँ फ्रंट सीट पे और यहाँ से बनेगा वीडियो। जगह में और अभी हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी पार्क कर दिया। एक्चुअली हम लोग पार्किंग में नहीं लगाए क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस होता है वहाँ पे। तो अभी मॉर्निंग टाइम में हम आए हैं तो काफ़ी जगह खुली खुली है, तो हाँ मेरे पास है, तो एक्चुअली मास्क कंपलसरी है, लेकिन अभी एकदम सुबह का टाइम है ना, तो हम लोग जा रहे हैं, देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ भीड़ भाड़ होगा, रश में अगर हम लोग घुसते हैं तो वहाँ पर मास्क लगा लेंगे। तो अभी आपको लेकर के चलते हैं वाटरफॉल के साइड। इन बार्गेनिंग तो जम के करिएगा अगर आप कुछ यहाँ लेते हो, क्योंकि बहुत कॉस्टली देते हैं और लैंग्वेज से लोग पकड़ लेते हैं ना कि हम लोग प्रॉपर जबलपुर के हैं कि बाहर के हैं। इसलिए अगर आपका कोई जबलपुर का फ्रेंड है तो आप उसको साथ में लेके ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा फ्रेंड है मनोज, जो हमारी फैमिली फ्रेंड है, जो लास्ट टाइम फिर रानू के एग्ज़ाम टाइम में नहीं आए थे वो, तो हम उन्हीं के साथ में आए हैं क्योंकि वो लोकल के हैं, और कोई भी सामान लेना होगा ना उनसे खरीदवाने वाले हैं, क्योंकि वो बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे जानते हैं। खूब सारे कलरफुल फोटोज हैं, फोटोज नहीं कहना चाहिए, मूर्ति है कलरफुल। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ देख के ना, मैं मूर्ति को फोटो को मूर्ति कुछ ही बके जा रही हूँ। ग्लास देखिए, ग्लास भी बहुत अच्छे अच्छे हैं,
रूम डेकोरेट करने के लिए तो मस्त है। तो दोस्तों रोपवे का जो टाइमिंग है ना वो 10:30 से 6 बजे का टाइमिंग है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बिफोर आ गए हैं। तो पहले हम लोग नीचे साइड जा रहे हैं, नीचे के एरिया पूरा घुमाने के बाद फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो आपको रोपवे में भी लेके चलेंगे। नाश्ते के लिए भी कोई इशू नहीं है, नाश्ता भी यहाँ पे है, गरम गरम आलू बंडे बन रहे हैं, लेकिन मैं तो पोहा खा चुकी हूँ ना, नहीं तो आलू बंडे तो पक्का खाती मैं। यहाँ दीपदान वगैरह करने के लिए नारियल और दिया बाती भी मिलता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं ना तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप 10 बजते यहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि ना उस टाइम पे भीड़ कम रहती है, और अगर आप 11-12 के बाद आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा यहाँ देखने के लिए। लॉकडाउन के टाइम पे बना था, जो कि ये बंद था उस टाइम पे, क्योंकि परमिशन था नहीं किसी को अंदर आने जाने की, और लोग मानने वाले कहाँ हैं। ये वाली कार में बैठ के घूम सकते हैं यहाँ लोकल में, बेचारा मेरे वजन से टूट जाएगा, छोड़ देंगे वही रुक जाएगी। दोस्तों ये डेंजर जोन है, यहाँ सेल्फी लेने के लिए सख्त मना किया जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे ही जस्ट फोटो शूट करने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए जा रहे थे यहाँ पे, तो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शायद किसी की डेथ भी हो गई थी। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक लेडीज पानी में गिर गई थी, देखने के चक्कर में पैर स्लिप कर गया था, इसलिए ज़्यादा पास में देखने के लिए भी मना किया जाता है। कंट्रोल रूम है यहाँ पे पुलिस प्रशासन का, और अभी कोविड पीरियड में नर्मदा जी में स्नान करने के लिए मना किया गया है, और मास्क लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको 500 रुपीज यहाँ पे चार्जेस होता है तो वो आपको देना पड़ जाएगा, इसलिए मास्क कंपलसरी है। फोटोशूट के लिए आप 2 मिनट के लिए मास्क ओपन करिए, देन आप उसको फिर से वेयर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये मेरे पीछे रहा धुआंधार जलप्रपात, और यहाँ पे ना पानी का फुहारा इतना तेज चल रहा है ना कि अगर हम लोग 5 से 10 मिनट खड़े रहेंगे ना तो पूरे तो गीले होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ का वीडियो डन कर ली हूँ, अब मैं आपको लेकर भी चलती हूँ रोपवे साइड पे, और देन वहाँ पे जहाँ पे मोहन जोदाड़ो की शूटिंग हुई थी ना वो वाले प्लेस में भी आपको लेके चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन लुक है, पता नहीं नौका विहार हो रहा है कि नहीं, अगर नौका विहार हो रहा होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोविड की वजह से शायद ना हो रहा हो, क्योंकि नर्मदा जी में स्नान करने के लिए मना किया गया है, तो हो सकता है नौका विहार में भी प्रतिबंधित हो, तो देखते हैं क्या होता है, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। भेड़ाघाट का जलप्रपात है ना, वो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ख़ास करके जो हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ की खूबसूरती का एक पार्ट है यह, और जो यहाँ के जो नर्मदा नदी ने अपना जो सबसे पहला जलप्रपात बनाया था वो अमरकंटक में था, कपिल धारा और दूध धारा, और ये दूसरा भव्य जलप्रपात है जो कि भेड़ाघाट में है। भेड़ाघाट जबलपुर से 22 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं, तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप इस जगह का विज़िट ज़रूर करिए, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है। और खास तो अभी आपको स्टंट दिखाएंगे, यहाँ पे एक भैया है जो कि ऊपर से छलांग लगाएंगे, बहुत रिस्की होता है, ये नीचे हैं, ये जस्ट अभी नाम है यार भैया आपका, गुरु नाम है इनका, गुरु नाम है, और अभी ये अपने कारनामे दिखाने वाले हैं, तो इनका पूरा दिखाते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे छलांग लगाने वाले हैं और सेफली बाहर आएंगे, आई विश सेफ बाहर आए, नहीं तो 100 रुपये के चक्कर में एक तो इल्ज़ाम आ जाएगा सर पे, वो नहीं होना है।
दोस्तों कितना रिस्की काम है ये सोचिए, मात्र 100 रुपए के लिए ये बंदा अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। क्या करें, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है ना कि क्या कर सकते हैं इन लोग। लेकिन रियल में गाइस बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं बोली हूँ इसको छलांग लगाने के लिए, अदरवाइज नहीं बोलती मैं। बस ये सही सलामत सेफ निकले। गया किधर गया? अच्छा, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रूपवे साइड पे, क्योंकि अभी इधर नीचे साइड का हो चुका क्या लगभग। कोशिश किए हैं कवर करने का, पूरा तो कवर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो चीज़ दिखा सकते थे आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वो सब किए हैं। ये क्या चीज़ है? ये कंदमूल फल है, खाने का है, मीठा होता, नारियल से भी मीठा। कंदमूल है और ये गुलाबी ये कितने का है? 20 का एक है, 50 के 3 गुच्छा है। पानी में ऐसे खिल जाएगा, ये बढ़ता भी रहेगा, बोतल में गिलास में रख दो ऐसे बढ़ता रहेगा। कौन से बना है क्या पूरा? अच्छा बारीकी वो की गई है ना, ध्यान से होने, राइट। हाँ ये बारीकी दिख रहा है। ₹450 बता दिए, 450 हैं। दोस्तों ये भी एक जगह है, यहाँ पे व्यू पॉइंट कहते हैं इसको। व्यू जो देखना है ना वो यहाँ से देख सकते हैं। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये छोटा वाला 120 और बड़ा वाला 150, कुछ रेट वेट। शॉप का नाम त्रिस्ता लिखा हुआ है। अच्छा तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं रूपवे साइड पे। यहाँ पे लिखा है कि ये सुबह 10:30 से 6 बजे तक ओपन रहता है। 3 वर्ष से बच्चे का नहीं लगता है, ऊपर का टिकट लगेगा और लंच का टाइमिंग रहता है 1:30 से 2 बजे के आसपास। तो गाइज हमने टिकट ले लिया है और पर हेड 95 रुपीज़ है। रूपवे ओपन हो गया और अब मैं जा रही अंदर। ये पूरा एरिया था जहाँ पे शूट किया गया था मोहन जोदाड़े की मूवी का, एंड ये फाइनल लोकेशन इधर का। वाव, ये हम लोग पहुँच आए। जब आप रूपवे से आएंगे ना इधर साइड पे, तो यहाँ वॉशरूम भी बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। उधर साइड पे भी वॉशरूम अवेलेबल है हर जगह पे। फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे के लोकेशन में और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, फव्वारे इतना ज़्यादा उड़ रहा है ना कि यहाँ भी जैसे अपन मेन वो बड़े वाले फॉल के पास थे, वैसे यहाँ भी खड़े रहने से आप भीग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्लॉगर्स आए हैं जो कि अपना अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मैं भी आ रही हूँ एक आध उनके बीच में तो। लेकिन बहुत ही बेहतरीन सा लोकेशन है, आप विज़िट ज़रूर करिए यहाँ का। और दादा आज संक्रांति मना रहे हो? संक्रांति आज मना रहे हो? बढ़िया बढ़िया, नहा लिए? चलिए। इतना प्यारा लग रहा है, मतलब वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए ना, बोलने के लिए, रियल में मतलब बहुत ही बेहतरीन सा है। यहाँ पिकनिक के लिए भी आया जा सकता है। पिकनिक मनाना हो तो आप रूपवे से इस साइड पे आइएगा, उसके बाद मनाएगा पिकनिक, क्योंकि यहाँ काफ़ी जगह है और पानी भी जस्ट पास में है ना, तो दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ये है यहाँ का, जब रूपवे से हम लोग आते हैं वो वाला फॉल ये है, लेकिन ना यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है कि आपको पूरा पूरा एरिया वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो है यहाँ पे। साथ में जो फव्वारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम तक मैं वैसे भी यहाँ पे नहीं रुकूंगी, तो मेरे कैमरे में पूरा भाग जम जाएगा और वीडियो एकदम से ख़राब हो जाएगी।
बाकी मैं अदर वे उधर साइड पे और इधर साइड पे जाके आपको बाकी का लोकेशन दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ पे। पार्किंग जोन है, पूरा पार्किंग का एरिया है। आप मॉर्निंग में जल्दी आएंगे तो गाड़ी आप बाहर ही पार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट आते हैं तो बाहर जगह बिल्कुल नहीं रहेगा, तो आपको फिर गाड़ी यहीं पे पार्क करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो के साथ में। तब तक से अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर। तो गाइज, मैं ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी इस होटल के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मेरी भतीजी का ट्रिप था ना जबलपुर का, तो मैंने बताया था कि कितना बेकार सा होटल लोगों को मिला था, बट दिस टाइम पे होटल बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ के जो क्या बोलना चाहिए कर्मचारी हैं यहाँ के वो बहुत अच्छे हैं, और सारा चीज़ आपको जो भी है वो इजी अवेलेबल होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। प्लस रूम रेंटेज रूम जो चार्जेस है ना, रूम चार्ज ही बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर विजिट करिए यहाँ पे आके। होटल द्वारिका है, जो कि जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के जस्ट सामने में ये होटल, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। दोस्तों, जबलपुर की ट्रिप पे बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू।